लाडवा राधौर मार्ग पर स्थित सत्यम एनक्लेव कॉलोनी के लगभग 25 परिवारों ने कॉलोनी के बाहर एक बड़ा फ्लैक्स लगाकर आने वाले विधानसभा व नपा के चुनावों को लेकर मूल सुविधाएं न मिलने को लेकर बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। यह कॉलोनी लगभग 18 एकड़ में बनी हुई है, जिसमें लगभग 100 प्लाट कटे हुए हैं। इसके साथ साथ शहर के लगभग अमीर लोगों ने 25 कोठियां बनाकर रह रहे हैं। कॉलोनी वासी ब्रिजभूषण नरेंद्र गर्ग, रमेश मदान, मेहर सिंह, राजेश्वर दयाल, प्रदीप गर्ग, वीरेंद्र गाबा, उमेश सिंगला, दुर्गेश गोयल, पैच, राकेश मेहता, महेश मेहता, संजीव कुमार, सुखविंदर, विपुल बत्रा, विनोद कुमार, वासुदेव खुराना, पूनम गुप्ता, पूजा, कविता ज्योति, अंजलि गोयल, नीरज गर्ग, मेघा बत्रा आदि ने कहा कि यह कॉलोनी लाडवा के वार्ड नंबर 4 में पड़ती है, परंतु प्रशासन की ओर से आज तक इस कॉलोनी को कोई सुविधा सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी के अंदर न तो सीवरेज की व्यवस्था है, न ही पीने के पानी की और न ही सड़कों की व्यवस्था है। इसके साथ साथ नपा द्वारा सारे शहर के अंदर सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई है, परंतु इस कॉलोनी में कुछ ही स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई है। आधे से ज़्यादा कॉलोनी के अंदर अंधेरा ही रहता है। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोगों ने समर्सिबल द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है। नरेश जी, हमारी ये जो सत्यम एनक्लेव है, यहाँ पे हम सब अच्छे परिवार के लोग रह रहे हैं और हमने ये कॉलोनी में जो प्लॉट लिया था, ये सोच के लिया था कि यहाँ सभी सुविधाएँ एक अथोराइज जैसे पास अप्रूव्ड कॉलोनी के रूप में हमें सभी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद हम सब यहाँ बहुत दुखी हैं। हमारे जो है ना, यहाँ पे कोई सड़क पे जब पानी बरसात होती है तो खड्डों में पानी भर जाता है, सीवरेज हमारी चल नहीं रही है, यहाँ की म्यूनसिपैलिटी का पानी हमारे यहाँ तक घरों तक आता नहीं है। जो हमारे यहाँ ट्यूबवेल के बोर हुए हुए हैं वो बहुत ऊंचे हैं और उनमें बैक्टीरिया बदबू जैसा पानी हमें पीने को मिल रहा है। हर घर में यही समस्या है, सब लोग बीमार हो रहे हैं और इसमें ये सब चीज़ें अगर हमारे साथ हो रही हैं तो हम क्यों किसी भी सरकार के साथ क्यों खड़े हैं? हमारे लिए कोई सरकार नहीं खड़ी है। हमने सबको गुहार लगा लिया है, नगर पालिका में हमने कह लिया है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं। परंतु जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सभी कॉलोनी वासियों ने एक सुर में कहा कि जब कॉलोनी वासियों को कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं कराई जा सकती तो वह किसी भी पार्टी के नेता को वोट क्यों दे। उसी कड़ी में सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर सभी राजनीतिक व पार्षदों को वोट न देने का बहिष्कार किया है और कहा कि कोई भी प्रतिनिधि इस कॉलोनी के अंदर जब तक वोट मांगने न आए तब तक कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मूल सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। वहीं लाडवा नपा प्रधान साक्षी खुराना का कहना है कि कॉलोनी के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम चल रहा है और सीवरेज व पीने के पानी की सुविधा के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को एक और पत्र लिखकर सुविधाएं देने के बारे में लिख दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि गुरुवार को कुछ कॉलोनी वासियों की लिखित में शिकायत भी आई थी, उस पर तुरंत कार्रवाई करते उस लिखित पत्र को जन स्वास्थ्य विभाग व नपा सचिव के नाम पर मार्क कर जल्द से जल्द कॉलोनी वासियों की समस्याओं को दूर करने के बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस कॉलोनी में रह के सर बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो, क्योंकि यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेटल नहीं है, सही तरीके से नहीं बनी हुई, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को खेलने में बहुत परेशानी होती है। रोज़ का ही काम है कि रोज़ ही बच्चों को चोट पीट लगती हैं, ना बच्चे सही तरीके से साइकिल चला पा रहे हैं। और दूसरा, यहाँ लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कितने ही खंभों पर लाइट की व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं प्रॉपर तरीके से अपना अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं। सीवरेज और सीवरेज की समस्याएं भी साथ में जुड़ी हुई हैं। सारा ब्लॉक सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर जगह है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से खेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सड़कों की व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा रैंडमली ख़राब है, ना चलने लायक है, ना बच्चों के खेलने लायक हैं और ना ही बच्चे वहाँ पे किसी भी तरह का कुछ भी तरीके से वो एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे। कंचन टीवी के लिए लाडवा से नरेश गर्ग की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज़।